ओके सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलेन। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कुछ टाइम पहले ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुख्य घोषणा की थी और उन्होंने बोला था दिल्ली में जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन दिया जाएगा, लेकिन इस घोषणा के काफी टाइम हो चुका है, इसका न्यू नोटिफिकेशन अभी तक कुछ भी नहीं आया था, लेकिन फाइनली आज के डेट में न्यू नोटिफिकेशन आ चुका है। आज के वीडियो में जानेंगे आखिर में जिनके पास राशन कार्ड नहीं है तो उन्हें राशन कब से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, दिल्ली के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, delhi.gov.in आपको सर्च कर लेना है गूगल पे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे, तो नीचे की तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई फॉर टेम्परेरी राशन कार्ड कूपन, सिंपल इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं, जबकि पहले हम जब लॉगिन करते थे यानी कि इस लिंक पे क्लिक करते थे जाते हैं जिसपे लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता था और मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करने का ऑप्शन मिलता था, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन में आखिर में क्या जारी किया गया है। तो दिल्ली सरकार की तरफ से यही नोटिफिकेशन में जारी किया गया है, जल्द ही बिना राशन कार्ड वाले के लिए राशन की सुविधा शुरू होने वाली है, इसके लिए आपको एरिया वार्ड या किसी न किसी स्कूल में राशन मिलेगा, आप अपने राशन कार्ड के साथ स्कूल में जाना होगा और वहीं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, उनके बाद वहीं आपको राशन मिल जाएगा। इसके लिए जल्द ही जिस तारीख से राशन बटेगा उस तारीख की घोषणा की जाएगी, राशन बटने के जिस तारीख की घोषणा की जाएगी उस दिन आपको इस साइट पर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो बहुत ही जल्द बिना राशन कार्ड वाले को राशन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और तारीख की तिथि भी इसी वेबसाइट पे जारी की जाएगी। तो बस आज के वीडियो बस इतना ही, वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।